वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जय श्री राम। और अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं स्टेडियम निकल चुका हूँ दौड़ने के लिए। तो अभी हम पहले स्टेडियम पहुँचते हैं। और हमारे घर से स्टेडियम की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। और अभी हम स्टेडियम पहुँच गए हैं, गोपालगंज स्टेडियम, जिसका नाम मिंज स्टेडियम है। और हम अपने बाइक को यहाँ पार्क करेंगे, क्योंकि बाइक ले जाना, अंदर बाइक ले जाना अलाउ नहीं है। गाइस, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 4 राउंड इट्स इज इक्वल टू 1600 मीटर्स। आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। दीज आर माई टीममेट्स एंड वी आर इन स्टेडियम राइट नाउ। तो गाइस, मेरे दांत में कैविटी हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर से, डेंटिस्ट से दिखाने। मतलब एक साइड हुआ था तो मैंने फील करवा लिया, अब इस साइड हुआ है तो उसको भी आज फील करवा लेंगे। तो गाइस, अब हम निकलते हैं गोपालगंज। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं गोपालगंज के लिए और अभी हमने हेलमेट वगैरह वेयर कर लिया है। और ये मेरी गाड़ी की स्पीड अभी 40 से कुछ देर बाद 80 चली जाएगी। अभी मेरी माँ मेरे मामा के घर आई थी, तो अभी मैं अपने गांव जा रहा हूँ माँ को ड्रॉप करने। ड्रॉप करने के बाद कुछ काम भी है, तो थोड़ा घर भी घूम लेंगे, बहुत दिन हो गया घर गए हुए। तो जब मैं गांव आया तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपना वो भी देख लेता हूँ, खेत वगैरह कैसा फसल लगा है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारे आम का पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है, 5-10 पेड़ है। उसका से मेरा बथान है। और ये थोड़ा इस साइड मक्का का पेड़ है और ये धान की खेती हो रही है। और इस खेत की मेन बात ये है ना, जो ये खेत है ना, ये हम लोग का फेवरेट खेत है। इसकी वर्थ अबाउट 10 करोड़ होगी। आप वहाँ तक दिख रहे हैं, पूरी मेरी ज़मीन है, फिर से इधर भी मेरी ज़मीन है, बहुत मतलब बहुत लंबा ज़मीन है। और भी बहुत सारी जगह है, जैसे 3-4 जगह और ज़मीन है, तिवारी के लिए इधर उधर इधर उधर, उसकी भी वर्थ कुछ है। बट ये मेरा फेवरेट जमीन है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ माय लैंड इज अराउंड 15 करोड़। घर से आ रहा था तो कुछ खाने का मन किया, तो मैं इस रेस्टोरेंट में रुक गया। और इस रेस्टोरेंट में एक ही दिक्कत है, क्योंकि इसमें दो ही केवल वेज है और एक उसमें एक रोल है। और एक गाइस, अभी रात के 9 बज गए हैं और हम किसी को स्टेशन से रिसीव करने के लिए गोपालगंज निकल गए हैं। गाँव में यही दिक्कत है, कोई आया कोई बोल दिया कि निकल, थोड़ा सा इनको लेते आओ, ये कर दो, मेरा भी ये काम कर दो। इसी कारण हम मुझे थोड़ा गांव पसंद नहीं है, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अभी हम अपने काम करते हैं, तब तक घर से निकले थे खाना खाकर टहलने के लिए, तब तक सामने से नाना लगते हैं, बोले कि बाबू स्टेशन चले जाओ। और मैं रहा संस्कारी लड़का, कैसे किसी का बात टालूं। तो एक्चुअली आज सैटरडे है तो मीटिंग वगैरह था नहीं, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है मंडे टू फ्राइडे रहता तो मैं तो बोल देता मीटिंग है मेरी। और मीटिंग होती भी है मेरी, 10 के करीब मीटिंग होती है। सर जैसे फ्री होते हैं कभी भी मीटिंग शेड्यूल करा देते हैं, तो अगर मैं कहीं गया 10 के बाद तो पॉसिबल नहीं है ना मैं मीटिंग अटेंड करना, तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो इसी कारण अभी हम निकल गए हैं। आज सैटरडे है तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, यही एक फ़ायदा है कॉरपोरेट लाइफ में कि 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है। और बाकी तो स्ट्रेस इतना है कि मैं जॉब क्वाइट कर दूंगा कुछ साल बाद, मेरी ड्रीम कंपनी मिलेगी और ड्रीम कंपनी के में 1 महीना मतलब 2 साल जॉब करूंगा ड्रीम कंपनी में, उसके बाद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस, और इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल। जय हिंद।